और कोई देखो सुनो होता क्या है हर चीज को मैं इशू को ये सबसे पहले पूरा आने के बाद ये होता है फिर ये होता है ये होता है। हाँ उस चीज से शुरू करो बिल्कुल जहाँ से कि कूड़ा शुरू में ये आया फिर हम इसका ये करते हैं लास्ट ये होगा सब अलग से होगा ऐसा ना जो इनका कूड़ा आ रहा है सबसे पहले यहाँ आ रहा है ये सबसे पहले क्या कर रहे हैं इसमें से पन्नी चप्पल प्लास्टिक के आइटम सब बाहर कर रहे हैं कहाँ कर रहे हैं वो हो रहा है मशीन कर रही है। अच्छा अच्छा उसके बाद क्या करेंगे इसका अनिल आप कहाँ पढ़ते हैं हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी। अच्छा आपके पास ही यहाँ पे स्ट्रेचिंग प्लांट लगा हुआ है अभी 23 तारीख को ही मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था तो यहाँ पे अभी साफ़ सुथरी व्यवस्था है या कोई दिक्कतें हो रही है बदबू आ रही है आपको? हाँ सर कभी कभी जब आना जाना होता है तो थोड़ा बहुत तो रहता ही सर वहाँ पर कैंपस में रहता ही है कि हाँ स्मेलिंग तो आती है जिस तरह से यहाँ पे मक्खियाँ भिनभिना रही हैं क्या ये मक्खियाँ उधर कैंपस तक आ जाती हैं क्या है? मक्खियाँ तो नहीं आती बट स्मेलिंग सर आती ही रहती है कैंपस तक पहुँच जाती है। हाँ थोड़ा इरिटेटिंग वगैरह तो होता ही है क्योंकि सुबह आने जाने में भी यहीं से रास्ता ही है। अभी पूर्व में मेरे द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया गया था कि भाई ये पछुआ दून के साथ आसन नदी के साथ पूरे क्षेत्र के साथ एक खिलवाड़ वाला जो यहाँ पे कृत्य किया जा रहा है ये ठीक नहीं है इसको बिल्कुल जनमानस से थोड़ा दूर होना चाहिए था लेकिन तब भी सरकारों ने ज़बरदस्ती करी प्रशासन ने इसमें ज़बरदस्ती करी ज़बरदस्ती करने के बावजूद उन्होंने इसमें इसको यहाँ पे एक शुरुआत इसकी हुई पर इसको शुरू हुए अभी लगभग मुश्किल से 15 से 20 दिन भी नहीं हुए हैं लेकिन बदबू का आलम यह है कि अगल बगल के लोग परेशान तो छोड़िए बीमार होने शुरू हो चुके हैं। मेरे पास रोज़ लोगों का तांता लगा है लोग आ रहे हैं कि भाई आपने पूर्व में भी आंदोलन किया था और अब इसकी बदबू के साथ साथ यहाँ महामारी जैसे हालात बनते जा रहे हैं तब मैं आज यहाँ पे आया था मैंने पूरा देखा अंदर पर मुझे नहीं लगता जितनी अंदर तकनीकी जो जो मशीनें लगी हैं कि उनमें कुछ ऐसा कोई व्यवस्था है कि यहाँ पे बदबू रुक पाएगी और अगर फिर भी मैंने इन्हें बोला है आप जल्द से जल्द कोशिश करके इसको बदबू को रोकने का प्रयास कीजिए कोशिश कीजिए ये बदबू ना आए क्षेत्रवासियों को दिक्कत ना हो माहौल ख़राब ना हो यहाँ के लोग बीमार ना हो अगर ये व्यवस्था नहीं बनी तो मेरे द्वारा जल्द ही एक फिर मजबूर होके आंदोलन किया जाए।